टाइगर हिल से कंचनजंगा का दीदार और दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों में वोटर लगाएंगे किसका बेड़ा पार। नमस्कार, उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। टी टूरिज्म, टॉय ट्रेन, टाइगर हिल और ट्रैकर मिलकर बनाते हैं इस पूरे के पूरे इलाके को बेहद खास। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ ये इलाका हर साल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से यहाँ पर पर्यटकों की तादाद काफी ज्यादा कम है। लेकिन इन सब के बीच अपने ही अंदाज में दार्जिलिंग आगे की ओर बढ़ता हुआ और उसी रफ्तार से बढ़ रही है यहाँ की राजनीति भी। साल 2016 में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने यहाँ से जीत हासिल की थी, जबकि उसके बाद हुए उपचुनाव में 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की। इस बार बीजेपी तो मैदान में है, लेकिन टीएमसी ने अपने सहयोगी के लिए मैदान को खाली रखा हुआ है, जबकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भी दो भागों में, दो धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पूरा का पूरा मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसी बात की करने वाले हैं आज हम बड़ी पड़ताल, और साथ ही वो तमाम बड़े मुद्दे जिनमें सबसे बड़ी मांग गोरखा लैंड की है, उसको लेकर यहाँ का मतदाता क्या सोचता है। आइए शुरू करते हैं इस बात की बड़ी पड़ताल। यूं तो कंचनजंगा की इन खूबसूरत वादियों का मौसम आमतौर पर काफी ठंडा रहता है, लेकिन विधानसभा 2021 के घमासान ने उत्तर बंगाल के इस इलाके का तापमान काफी बढ़ा दिया है। पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग में इन दिनों सियासी घमासान छिड़ा है। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में 17 अप्रैल को पांचवें चरण में वोटिंग होनी है, और वोटिंग से पहले यहां गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के दोनों गुटों में प्रचार की होड़ लग गई है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा दो भागों में बटा हुआ है इस बार पहाड़ों पर चुनाव में। आपको बताते चलें, एक का नेतृत्व विमल गुरुंग कर रहे हैं, जबकि विनय तमांग दूसरे का नेतृत्व कर रहे हैं। ममता बैनर्जी ने इन दोनों के ही खुद को मिले सपोर्ट को देखते हुए यहां पर टीएमसी के किसी भी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया है। वहीं तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे के पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट ने इस दार्जिलिंग सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार क्या होगा ये बड़ा सवाल है। सर, कामयाबी मिलेगी दार्जिलिंग में? जरूर मिलेगी। अपने ही दूसरे खेमे से आप लड़ाई कर रहे हैं या बीजेपी से ज्यादा बड़ी लड़ाई है? एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि सभी बोलते हैं कि ट्रायंगुलर फाइट होने जा रहा है, बट एज ऑफ नाउ जो मेरा कहना है कि ये ट्रायंगुलर नहीं है। मेरा मेन ओपोनेंट है भारतीय जनता पार्टी, और विमल फैक्शन जो है वो फैक्टर नहीं है, चैलेंज जरूर है लेकिन फैक्टर नहीं है। वो फैक्टर क्यों नहीं, विमल गुरुंग आपके लिए फैक्टर नहीं है? चैलेंज तो है लेकिन फैक्टर नहीं है। बट एज फार एज द भारतीय जनता पार्टी इज कंसर्न, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए फैक्टर भी होगा और चैलेंज भी होगा। तो मेरा मेन, हमारा पार्टी का मेन फाइट होगा, राइवल है भारतीय जनता पार्टी। जीत मिलेगी? यस, मिलेंगी जीत। आइए इस बार तो हमें जरूर वोट मिलेगी और हम जीतेंगे भी सिटी के कारण से। लोगों का असर पड़ेगा आप लोगों के? जी हाँ जी। कौन से मुद्दे, इश्यूज कौन से हैं यहाँ के? बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे बेरोजगारी, एजुकेशन में भी बहुत थे। आप लोग ऐसे ही रोज कैंपेनिंग करती हैं? जी, सिटी बजा बजा के कैंपेनिंग की जाती है। बजा बजा के सिटी, कैसे कैसे सिटी बजा के कैसे वोट मांगते हैं आप लोग? महिलाओं के लिए अच्छा काम कौन करता है, मोदी जी या ममता बनर्जी? ममता बनर्जी। सर, जीत मिलेगी आपको? निश्चय, 100%। लग रहा है, मुद्दा कौन सा है जिसको लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? मेनली अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा। यस 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 यस। अलग राज्य बनाने की जो मांग थी वो अब कम पड़ गई है यहाँ पर? नहीं नहीं, वो हम लोग अब जरूर करेंगे, जब पावर में आएंगे तो फिर हम वो मुद्दा उठाएंगे। तो पावर में कैसे आएंगे आप लोग? हम लोग तीन एमएलए जीतेंगे, और जो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन का जो बॉडी बनेगा उसका भी हम पूरा इलेक्शन स्वीप करेंगे। विमल गुरुंग जी की पत्नी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, कितना कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है? मुलाकात तो तगड़ा है, फिर भी हमारा जीत निश्चित है। आपका जीत निश्चित है? हाँ जी, 110%। कौन सा मुद्दा लेकर लोगों के बीच जा रही हैं आप?
मुद्दा तो हमारा परमानेंट सोल्यूशन है जो गोरखालैंड है, उसके बाद 11 जनजाति है, उसके बाद भी यहाँ पर जो डिप्राइव हुआ है हमारा बच्चे लोग, यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर काम वगैरह कुछ नहीं, हमारा कितना लड़के लोग बेकारी पड़ा है, वो सबके लिए जब हमारा परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा तो उसमें तो अब से अपना 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 मुद्दा आगे आ जाएगा, अपना अपना सोल्यूशन हो जाएगा। बंगाल के लिए अच्छा कौन है? निश्चित दीदी, दीदी अच्छी है, दीदी ने अच्छा काम किया है, किया है अवश्य। और आप लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे एक दौर में? हाँ अवश्य, हमने 3 बार तो जीता है एनपी को, फिर भी वो लोग हमको हम लोगों को बहुत धोखा दे दिया। जीत हासिल करेंगे? जी अवश्य करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? गोरखालैंड। बीजेपी सरकार को 15 साल तक हमने वहाँ गठबंधन किया है, अभी तक 15 साल तक कुछ भी नहीं किया है बीजेपी ने। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, धोखा दिया है गोरखाओं को, धोखा दिया है बीजेपी ने गोरखाओं को, धोखा दिया। इस बार क्या दीदी के साथ हैं आप लोग? हाँ दीदी के साथ है, दीदी के साथ खड़ी। यस। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब दार्जिलिंग में चुनाव प्रचार के दौरान गोरखालैंड का मुद्दा गूंज रहा हो। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में गोरखालैंड की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लंबे समय से दार्जिलिंग और उसके आसपास के भारतीय गोरखा बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की मांग होती आई है। इस मुद्दे पर बीते 3 दशकों में कई बार हिंसक आंदोलन हो चुके हैं। दार्जिलिंग का चुनावी अतीत देखें तो गोरखालैंड राज्य की सालों पुरानी मांग की छांव में यहां का जनादेश बंगाल की सत्ता के विरुद्ध जाता रहा है। 1986 के गोरखालैंड आंदोलन के बाद से कोई राष्ट्रीय पार्टी यहां एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई। 1996 से 2006 तक दार्जिलिंग जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर सुभाष घिसिंग की गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट का कब्जा रहा। 2007 में गोरखालैंड की मांग को लेकर बिमल गुरुंग के नेतृत्व में एक बार फिर आंदोलन हुआ। इसके बाद बिमल गुरुंग की पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अस्तित्व में आई। 2011 और 2016 में बिमल गुरुंग की पार्टी ने यहां की सभी सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन अब इस इलाके में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुंग और विनय तमांग के दो अलग अलग गुटों में बढ़ चुका है। फिलहाल दार्जिलिंग की इस सियासी गहमा गहमी को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़ चले दार्जिलिंग की पहचान और शान टॉय ट्रेन की सवारी करने। अगर आप दार्जिलिंग आए और टॉय ट्रेन की सवारी नहीं करें तो बात कुछ अधूरी सी नजर आ चुकी है। हम भी आ चुके हैं दार्जिलिंग, वैसे हमारा मकसद तो यहाँ पर चुनावी माहौल को भापना है, लेकिन ये टॉय ट्रेन जो पीछे से अपनी छुक छुक और साथ ही अपने होने की यहाँ पर मौजूदगी कराती हुई तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। दरअसल इसमें भारी तादाद में पर्यटकों की मौजूदगी है। हालांकि ये कोरोना काल है, हर साल की तुलना में इस साल दार्जिलिंग में कम पर्यटक पहुंचे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके ट्रेन खचाखच भरी हुई है। तो आज हम भी दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और फिर इस कोयले से चलने वाली जो भाप से इंजन को लेकर आगे बढ़ती है और फिर ट्रेन की सवारी कराकर यहां पर पर्यटकों को मुग्ध कर देती है, आज इसकी हम सवारी करेंगे और साथ ही जानेंगे कि दार्जिलिंग में ऐसी वो कौन सी बात है, वो कौन सी खासियत है जो इस हिल स्टेशन को बेहद उम्दा बना देती है। तो आइए हम पहुंचते हैं सबसे पहले दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पहली बार एक्सपीरियंस किया है मैंने टॉय ट्रेन का इंडिया में, सो इट्स वेरी नाइस। कैसा लगा यहाँ आकर, टॉय ट्रेन कैसी लगी? बहुत ही अच्छी लग रही है, हाँ वेदर भी काफी प्लेजेंट है तो मजा ही आ रहा है। मतलब जो लोग अपने घर में बैठकर देख रहे हैं उनको आना चाहिए इसमें बैठने। हाँ हाँ एकदम एकदम, ट्रेन में बैठ के मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। दिन जल्दी ढलने लगता है सो हमें भी दिन का सफर यहाँ रोक देना पड़ा। लेकिन हमारी अगली सुबह की शुरुआत हुई
सूरज से भी पहले सुबह 3 बजे और कंचनजंगा की पहाड़ियों से उगते सूरज का दीदार करने के लिए हम निकल पड़े टाइगर हिल की ओर। आम तस्वीर नहीं जो आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं। दार्जिलिंग यानी कि उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग में इस वक्त मेरी मौजूदगी है टाइगर हिल का, ये पूरा का पूरा इलाका। लेकिन हजार से ज्यादा लोग इस वक्त इन्हीं तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैप्चर करने के लिए यहाँ पर दूर दूर से आए हुए हैं। आपको बता दें, पर्यटन एक बड़ा केंद्र है पश्चिम बंगाल का, दार्जिलिंग का खासतौर से, और पर्यटन के आधार पर ही यहाँ की जिंदगी आगे बढ़ती है। लेकिन आप देखेंगे कि कंचनजंगा की पहाड़ियों के बीच से जब सूरज यहाँ पर दर्शन देते हैं तो किस तरह से लोगों के चेहरे खिल उठते हैं और सभी अपने अपने मोबाइल कैमरे निकालकर तस्वीरों को कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर टाइगर हिल में सुबह 3 बजे से ही आप देखेंगे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी, लोग अपनी अपनी बारी के इंतजार में थे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बर्धमान से। बर्धमान से आए हुए, कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। क्या सुना था यहाँ के बारे में? हाँ, यहाँ तो यही सुना था कि सूरज में ये कंचनजंगा दिखाई देता है। सूरज जब सूरज निकलता है उस समय कंचनजंगा की पहाड़ियाँ बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। बताइए, कंचनजंगा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो अभी कैसा दिखा कंचनजंगा की ये पहाड़ियाँ? बहुत अच्छा है, बर्फ दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम जब आया था इतना अच्छा नहीं देख पाया। अच्छा, आज तो पूरा सूरज उठने का एकदम पूरा शुरू से देख पाया एकदम। वी आर वेरी लकी। शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए, बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आया। उधर सूरज ने देश के बाकी हिस्सों के लिए अपना सफर शुरू किया और हमने दार्जिलिंग के वोटर का मन टटोलने का। दार्जिलिंग में हैप्पी वैली इलाके में हम मौजूद है एक परिवार के साथ। इस वक्त हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने पूरी की पूरी फ्लावर से अपने घर को सजा कर रखा है। और यकीनन दूर से ही ये जो हिस्सा है आकर्षण का केंद्र बनता है और बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। कुछ लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए, हैप्पी वैली किन बातों के लिए जाना जाता है जिस इलाके में हम मौजूद हैं? हैप्पी वैली टी लीव्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, ये बताइए, इलेक्शन में किसका जोर चल रहा है? इस बार तो उम्मीदवार बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए बहुत वोट बांट जाएगा। तो अपना अपना एक गांव में भी देखिए तो 3-4 पार्टी का समर्थक है। ये गोरखालैंड के डिमांड करने वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा भी 2 भागों में बंट गए हैं। हाँ, वो तो बात सही है। हाँ। लेकिन जितना भी पब्लिक है उसके दिल में ये है कि गोरखालैंड का जो एक सपना है। हाँ। वही है। दार्जिलिंग में जो पढ़ाई करके भी काम नहीं मिलता है, इसलिए वो क्राइसिस है कि जॉब के लिए। हाँ। तो ये जॉब के लिए जो एक स्टेट में मिलता है बंगाल से नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी में कौन अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं। क्यों? वो तो सब कुछ चीज में देखता है ना। सबसे ज्यादा बड़ी समस्या क्या है टी गार्डन की? आप लोग वहाँ पर वर्कर हैं। पेमेंट कितना होता है? 202 रुपए है। 202 रुपए है 20 किलो से ज्यादा तोड़ने पर पत्तियाँ। कितनी किलो की? 8 किलो पत्तियां तोड़ने पर यहाँ पर है 202 रुपए। ये बात और है कि दार्जिलिंग में चाय बागान के मजदूर अपने दिन फिरने की बात देख रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों की मेहनत से बनी इसी दार्जिलिंग की चाय दुनिया भर में मशहूर है। बंगाल चुनाव में चाय पर चर्चा तो खूब हो गई, लेकिन अब उस जगह पर हम आ चुके हैं जहाँ की चाय पूरी दुनिया में फेमस है। जी हाँ, दार्जिलिंग। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक टी पार्लर में और यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर की चाय की चुस्कियों के जरिए हम आपको बताएंगे कि अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग आना होगा और यहाँ पर आकर कौन सी चाय आपको खरीदनी होगी। आपको बता दें, रंग बिरंगी पैकिंग में शायद ही ऐसी कोई जगह मिले। मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक एक करके अलग अलग बेहद खूबसूरत पैकिंग में इस चाय को यहाँ पर सजाया गया है और लोग इसी की खरीदारी के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। चाय के दुकानदार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उससे जरा बातचीत कर लेते हैं। ये तो पैकिंग से ही ऐसा लग रहा है कि चाय खरीदकर लेकर जाई जाए। दार्जिलिंग की चाय की खासियत क्या है कि जिसकी वजह से लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए आए? दार्जिलिंग फेमस है वर्ल्ड में चाय के लिए, क्योंकि उसका खुद का एक फ्लेवर है। सिर्फ पानी आप पियेंगे तो उसमें फ्लेवर नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो है लीव्स के खुद का एक फ्लेवर है, तो वो फ्लेवर हम आपको दिखाएंगे। आप मेरे साथ आ सकते हैं,
आपके लिए हमने यहाँ पे अलग अलग तरह की चाय टेस्टिंग बनाना बना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए चाय पार्लर में अलग अलग कप में हमारे लिए चाय बनाने की तैयारी, ताकि हम इसके स्वाद को चखकर आपको बता सके। ये 3 सीजन का ब्लैक टी है, ये फ्लेवर के लिए माना जाता है। उसके बाद आता है हेल्थ वाइज, मतलब जाड़ा गर्मी बरसात 3 अलग अलग सीजन में इसको चुना जाता है। देखिए ये भी गजब ही है कि मतलब मौसम को ही हम सिर्फ नहीं बांटते हैं, बल्कि यहाँ पर चाय की पत्तियों को भी सीजन के हिसाब से बांटा गया है, और लोगों को बकायदा समझाया भी जाता है कि आपको कौन सी टी चाहिए। हाँ जी, जो लोग थोड़ा लाइट कलर लाइट फ्लेवर पसंद करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि आप लोग फर्स्ट प्लस वाला टी लीजिए, उसमें आपको बहुत अच्छा एरोमा मिलेगा, फ्लेवर बहुत लाइट होगा लेकिन आपको पसंद आएगा। जो लोग बोलते हैं नहीं मुझे भाई स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए, कैफीन चाहिए मुझे, तो उनके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप सेकंड या ऑटम से ले सकते हैं। व्हाइट टी के बारे में बताइए, व्हाइट टी तो बहुत कम सुना जाता है। व्हाइट टी को डिटॉक्स टी बोला जाता है, बॉडी डिटॉक्सिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है व्हाइट टी को, क्योंकि इसमें कैफीन नहीं रहता है, डीकैफीनेटेड होता है ये टी। और अब इनके हाथ में सबसे महंगी चाय, इधर आइए, कितने रुपए किलो आती है? क्वालिटी सबसे बेस्ट चाय इंटरनेशनल मार्केट पे 2 लाख रुपए का किलो आता है, 2 लाख रुपए किलो की किलो आता है, लेकिन हमारे पास ये जो है इंडिया पे 94,000 पर किलो है। आप देख सकते हैं ये चाय 94,000, फिर भी तो 1 लाख के करीब ही पहुंच गया ना, इतनी महंगी चाय कौन पीता होगा। जो लोग टी लवर है वो तो ले जाते हैं एकदम। 94,000 रुपए किलो की ये चाय है। आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात हुई हमारी ही जैसे कुछ बुलेट सवारों से, जो हमारी तरह चुनावी माहौल भापने या आंकने तो नहीं निकले थे, लेकिन इनका सफर भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। दार्जिलिंग इनफील्डर्स के ये बाइक राइडर्स हैं जो इस वक्त मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि खूबसूरत पहाड़ियों से होते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा खासियत ये है कि न सिर्फ दार्जिलिंग और उसके आसपास के हिस्से, बल्कि इसके अलावा दूसरे देशों में भी और हिंदुस्तान के भी कुछ हिस्सों में इन लोगों ने जाकर बकायदा पार्टिसिपेट किया है, और उसके तमाम बैच इन लोगों की ओर से हासिल किए गए हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, न सिर्फ दार्जिलिंग की खूबसूरती के बारे में, बल्कि यहाँ पर हो रहे चुनाव के भी बारे में। सर सबसे पहले मैं चाहूंगी अपना नाम बताइए और अपनी इस टीम के बारे में जानकारी दीजिए। मैं कमल छेत्री, हमारा ये दार्जिलिंग इनफील्डर्स मोटरसाइकिल क्लब हमारा 2019 में एस्टेब्लिश हुआ है, तो जितने भी हमारे राइडर्स मीट वगैरह होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जितने भी कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राइड करें, देश को एक्सप्लोर करें, देश को ये भी दिखाए कि हम भी यहाँ पर है। मतलब टू व्हीलर भी इतना बुरा नहीं है कि मतलब राइड करने के लिए, ये नहीं कि फोर व्हीलर में है। अच्छा, आप थोड़ी मैं पॉलिटिकल बातें कर लूं, गाड़ी राइड तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसकी गाड़ी तेज दौड़ने वाली है ये बताइए। अभी तो कह नहीं सकते, हमारा तो ये क्लब है, पॉलिटिकल वो नहीं है, तो इतना कह नहीं सकता, क्योंकि अभी दौड़ तो मुकाबले में है, सबके सब लोग सबकी गाड़ी सबके गाड़ी आगे है। अच्छा, मोदी या ममता, इन दोनों में कौन बेहतर है? हम नहीं, बस हमारे लिए कोई भी बेहतर नहीं है। हमारे लिए है कि दार्जिलिंग में स्टेबिलिटी आना चाहिए। अच्छा, मोदी ममता में से कौन पसंद आता है या कोई और पॉलिटिशियन? मेरे को तो मोदी अच्छा लगता है। मोदी अच्छा लगता है, क्यों? ना उसका उसका अलग चार्म ही है। मोदी जी का अलग चार्म है, क्या चार्म है जो आपको बहुत आकर्षित करते हैं वो? ना उसका काम करने का तरीका, उसका ये बातें वगैरह जो इंस्पायर करते हैं लोगों को। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी इंस्पायर करते हैं लोगों को, वो पसंद आता है आपको। दार्जिलिंग का मिजाज कहता क्या है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन अब हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ये मूर्ति पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। आपको बता दें भानुभक्त आचार्य, जो कि नेपाली जाति के कवि रामायण के रचयिता, यानी कि रामायण को नेपाली भाषा में इनकी ओर से ट्रांसलेट किया गया था। कुल मिलाकर ये जगह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, तमाम ऐतिहासिक लाइनों को खुद में समेटे हुए। लेकिन इन सब के बीच रामायण तो पीछे आप हाथ में देख रहे हैं, लेकिन जय श्री राम के नारे बंगाल के बाकी हिस्सों में जिस तरह से लग रहे हैं, आपको दार्जिलिंग में वैसे नारे बहुत कम सुनने को मिलेंगे। खेला हो बे, बंगाल के बाकी हिस्सों में ममता बनर्जी का ये नारा खूब बुलंद हो रहा है, लेकिन दार्जिलिंग में ये नारा अभी तक हमें कहीं भी सुनाई नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो गोरखालैंड की है, और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ही इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या इस पार्टी को मात दे पाएगी, या ये गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जो दो धड़ों में बटा हुआ है वो आपस में ही बिखर जाएगा और बीजेपी यहां पर मार ले जाएगी बाजी। क्या होगा आगे, इस पर रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, दार्जिलिंग आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।